अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में आई विल शेयर अ क्विक रेसिपी ऑफ मैक्रोनी, लाइक 5 मिनट्स में आप ये रेडी कर सकते हो जब आपको भूख लगी हो और घर पे आपका रोटी खाने का भी मन नहीं हो, और लेकिन घर पे उस टाइम आपके पास चिकन भी नहीं हो, वेजिटेबल्स भी नहीं हो, तो आप किस तरह से 5 मिनट्स में ये मैक्रोनी रेडी कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको चाहिए मैक्रोनी। अगर पोटैटोज़ हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। और आपको चाहिए कुछ स्पाइसेस, और आपको चाहिए यंग चिकन स्प्रेड एंड केचप। चिकन स्प्रेड के साथ ये होता है कि वो जो चिकन मिस हो जाता है ना मैक्रोनी में, तो वो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यंग चिकन स्प्रेड जो इसके साथ यूज़ किया है, एंड टेस्ट वाज अमेजिंग। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ये यहाँ पर मैंने दो पैन्स में, एक में ये मैक्रोनी उबल रही है, पानी में मैंने 1 टीस्पून भर के नमक डाल के दम पे रख दिया था, और जब पानी अच्छे से बॉयल आ गया पानी के, उसके बाद एक प्लेट मैंने जो वो मैक्रोनी ऐड करी इसके अंदर, और साथ ही मैंने जो पोटैटोज़ हैं वो स्लाइस में कट करके बॉयल होने के लिए रख दिए। इसको चिप्स को पहले बॉयल करके हाफ बॉयल कर लें इसको, 50% और 50% इसको फ्राई जब आप करते हैं तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद जनाब क्या करना है कि मेरे जितने मुझे बॉयल चाहिए थे पोटैटोज, जितने टेंडर मुझे चाहिए थे उतने मैंने किए। उसके बाद ही मैं वाटर अच्छे तरीके से ड्रेन कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर, और यहाँ पर ये मैं अच्छे से इसका जितना पानी है सारा निकाल दूंगी। और इस तरह से बहुत क्रिस्पी और बिल्कुल इस तरह से बनते हैं जिस तरह हम बाहर से स्टॉल से बाय करते हैं चिप्स, बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है इनका। उसके बाद जी ये मैंने सारा जितने भी थे मतलब थोड़े थोड़े करके डालकर और पानी मैंने निकाल दिया। और ये आप बिल्कुल बना सकते हैं जब आपके बच्चे को भूख लगी होती है तो बस फटाफट आपको होता है कि आप बस बनाओ और खाओ, लाइक 5 मिनट में रेडी टू ईट। ये मैंने पैन में ऑयल डाला और इसमें ये बॉयल हाफ बॉयल पोटैटोज डाल दिए स्लाइस में कटे हुए, और साइड पे रखी हुई मेरी मैक्रोनी थी वो 100% ये मतलब अच्छे से जितनी मुझे चाहिए थी तो उतने से ये कुक हो चुकी थी। तो मैंने इसका अच्छे से पानी निकाल देना है, और यहाँ पर साइड में मैंने कहा कि थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके अंदर प्याज, वेजिटेबल्स नहीं थी मैं खाली वो रखती, वो एक खालीपन सा आ जाता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक अनियन ऐड करती हूँ और इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्लेवर इतना रिच आता है बहुत मज़े का लगता है। तो ये गार्लिक का, आई लव गार्लिक, मुझे बहुत पसंद है, इवन मैं ऑमलेट भी बनाऊँ तो उसके अंदर भी लाजमी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने ये तड़का फ्राई करने के लिए रखा, और मैंने जो स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर नहीं ऐड किए क्योंकि वो सारे फिर जल जाते हैं और सब अजीब सा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये फिर इसके अंदर मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी है, और हाँ मैक्रोनी को जब हमने पानी से निकालना है तो ठंडे पानी से गुजारना है अच्छे तरीके से, ताकि उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं पे स्टॉप हो जाए। तो मैंने वही ऑयल जो जिसमें मैंने फ्राई करे थे उसी में मैंने इसको, उसी ऑयल में मैंने मैक्रोनी को अच्छे तरीके से फ्राई किया थोड़ी देर के लिए। अब हमें क्या चाहिए, ये जो एक चम्मच है ये मैंने भर के जो टेबल स्पून है नमक का लिया, और चिकन टिक्का मसाला, चिली सॉस, सोया सॉस, यंग चिकन स्प्रेड और नेशनल टोमेटो केचप, एक चम्मच ये डाल दिया। चिकन टिक्का का ये होता है कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा स्पाइसी भी हो जाता है और लाइट फूड भी, और फटाफट से सब कुछ रेडी हो जाता है। तो वो सब मसाले मैंने अंदर डाले थे, तो ये इसकी फाइनल लुक थी। अगेंस्ट कलर ऐसा नहीं होता, मैंने लाइट का इशू आपसे डिस्कस किया था उसी वजह से। तो
तो वो सब मैंने टेबल स्पून भर भर के डाले थे, और ये जो चिकन था ये मैंने स्प्रेड अंदर भी डाला था 2 टेबल स्पून भर के, और टमाटो केचप भी 2 टेबल स्पून भर के, और ये जो साथ में एक कोली पड़ी है अनकुक मैक्रोनी की, ये वाली जो थी ये मैंने इतनी ही बनाई थी। 5 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाता है आपका सारा सामान आपके पास पड़ा हो तो। टेस्ट वाज सो अमेजिंग, लाइक मैंने पहले इस तरह से नहीं बनाई है, हमेशा वेजिटेबल्स डाल के चिकन डाल के, तो काफ़ी फैंसी तरीके से और बहुत टाइम टेकिंग होती है मैक्रोनी सही में, बिकॉज आपको इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स फ्राई करनी होती हैं, तो ये इजी है, सो यू कैन ट्राई व्हेन यू रियली डोंट वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। तो आपको मैक्रोनी भी खानी है और क्विक भी बनानी है और अपना टाइम और एनर्जी भी नहीं वेस्ट करनी है, सो यू कैन ट्राई दिस ट्रिक एंड लाइक ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर योर कॉमेंट्स। यस, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मैं ये खाती हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।